नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीकेबी न्यूज द्वारा प्रस्तुत जय माता दी इस प्रोग्राम में। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है, जो लोग घर बैठे हैं कोरोना की वजह से या कुछ कारणों की वजह से घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन लोगों को नागपुर के 9 मंदिरों के दर्शन कराने का। और आज है अष्टमी और आज हम आए हैं नागपुर के गांधी पुतला चौक में। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ सीए रोड पर और यहाँ पर भी एक बहुत ही पुराना मंदिर है जिस मंदिर का नाम है रेणुका माता मंदिर। और वो मंदिर जो है गांधी पुतला चौक से जब आप सीए रोड पर जाते हैं तो राइट हैंड साइड की ओर है, बहुत ही पुराना जो है वो यह मंदिर है। और सबसे खास बात है, जितने भी भाविक आसपास के परिसर में रहते हैं वो सभी के सभी जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कोरोना के वजह से उतनी ज़्यादा तैयारियाँ तो नहीं हो पाई है और भाविकों के ऊपर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन बावजूद इसके कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमेशा ही दुकानें जो है वो लगी होती है छोटी बड़ी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता के दर्शन के लिए जब भी भाविक यहाँ पर आते हैं तो पूजा की सामग्री खरीदते हैं। और सबसे खास बात है हार फूल चुनरी और ओटी जैसे भरी जाती है माता की, तो ओटी भरने का सामान जो है वो भी यहाँ पर मिलता है। तो ऐसा यह मंदिर है, तो चलिए आइए आपको मंदिर में जो है हम मंदिर में प्रवेश करवाते हैं। और सबसे खास बात ये है कि बहुत ही पुराना यह मंदिर है, श्री रेणुका देवस्थान की ओर से जो है ट्रस्ट जो है यहाँ का वहाँ पर जो है ये चलाया जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर, वहाँ से हम मंदिर की तरफ जाएंगे और मंदिर में जो है वो हम माता का दर्शन करेंगे। और ये जो है ये मुख्य परिसर है मंदिर का और ये है मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ पर दर्शन के लिए जो है वो आते हैं और यहीं से जो है लोग प्रवेश करते हैं। तो बड़ा मंदिर है ये, आप देख सकते हैं, और 3 माले का ये मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे फूलों से और डेकोरेशन करके जो है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइज़र का और बॉडी टेम्परेचर चेक करने का जो है वो उपकरण जो है वो भी लगाया गया है, ये विशेष बात है। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं जहाँ पर हम आपको मंदिर में माता के दर्शन कराते हैं और मंदिर कैसा है वो आपको बताते हैं। और जैसे कि अमूमन आप किसी भी मंदिर में जाते हैं नवरात्रि के दौरान तो वहाँ पर कुछ नियमावली जो है वो प्रशासन की ओर से बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि नवरात्र उत्सव 2021 के लिए भी यहाँ पे श्री रेणुका देवस्थान ट्रस्ट की ओर से जो कुछ नियमावली जो है वो बताई गई है। सबसे पहली बात तो जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उन्हीं लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सबसे खास बात, आपको मास्क जो है वो मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके अलावा अगर आपको सर्दी है खांसी है या फिर बुखार है तो आपको मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं है। और मंदिर में जब आप एंटर करते हैं तो कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो आपको करना है। सबसे खास बात, किसी भी जो चीज़ आपकी जान पहचान की नहीं, जो आपके काम की नहीं है उसे आपको जो है हाथ नहीं लगाना है। और सबसे खास बात, अगर आप मंदिर में भी बैठते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है। और सबसे खास बात, जो मेन मंदिर है यानी कि मुख्य मंदिर है वहाँ पर भी आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है। सबसे खास बात, यहाँ पर एक साड़ी काउंटर होता है अमूमन जब माता के दर्शन के लिए लोग जब आते हैं। तो सबसे खास बात यह है कि लोग जो है वो बैठ जाते हैं और बहुत देर तक माता की जो है आराधना करते हैं। और इसीलिए तो चलिए, तो अमूमन देख सकते हैं आप जो लोग भी मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, उन्हें जो है सैनिटाइज़र से सैनिटाइज किया जाता है ताकि आसानी हो लोगों को, लोग आए। और जैसे कि सभी नियमों का पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। और ये है मंदिर का मुख्य परिसर जहाँ पर हम हैं। और जैसे कि हम नवरात्रि के दौरान किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे खास बात जो है नवरात्रि के पूरे दिन जो है 9 दिन तक जो है अखंड ज्योत जो है वो जलाई जाती है। और हर मंदिर की तरह इस मंदिर में भी जो है आप देख सकते हैं अखंड ज्योत जो लोग जला रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी सूची जो है वो लगाई गई है। और तकरीबन 913 लोग जो है वो इस अखंड ज्योत में जो है वो हिस्सा लेते हैं। और जगह जगह पर जो है वहाँ पर इस बात को ध्यान में रखा गया है, जगह जगह पर जो है वहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए
और साथ ही जहाँ पर लोग ज़्यादा भीड़ ना करें इसलिए ओटी जो भरते हैं माता की, उस ओटी को भरने के लिए जो है विशेष तौर पर एक अलग से व्यवस्था जो है वो भी की गई है। और आप देख सकते हैं इस ओर भी सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और जो सारी नियमावली जो हमने बाहर पढ़ी वो सारी नियमावली फिर एक बार यहाँ पर जो है वो भी लगाई गई है। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट के वो सारे सदस्यों के फ़ोटो लगे हैं जो मंदिर के लिए कई सालों तक काम करते रहे। और सबसे ख़ास बात इस ओर अगर हम देखेंगे तो भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है वो हमको दिखाई देती है और उसके ही ठीक नीचे जो है श्री रेणुका माता की जो आरती है वो है। और नागपुर का ये जो श्री रेणुका माता मंदिर जिनका है तो उनका भी आपको एक छायाचित्र जो है वो नज़र आ जाएगा। और उसके बाद वो जो हमारे नागपुर के श्री टेकड़ी गणेश है उनका एक छायाचित्र आपको नज़र आएगा। और उसके बाद भगवान श्री शंकर जो है वो भी आए, उसके अलावा कई सारे मंत्र जो है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जैसे कि आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन का जो है आज विशेष महत्व होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती भगवान शंकर को पाना चाहती थी तो उन्होंने बहुत सारे तप किए, उनकी आराधना की और ऐसे में उनका शरीर का रंग जो है वो काला पड़ गया। और जब उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें जो है फिर एक बार स्वर्ण रंग यानी कि गोरा रंग जो है प्रदान किया और इसलिए महागौरी भी कहा जाता है। और इसीलिए अष्टमी का अपना एक विशेष महत्व होता है और आज अष्टमी का दिन है। और इसी अष्टमी के दिन आज यहाँ पर भी जो है पूजा हवन और आरती जो है वो होने वाली है। और ऐसा कहते हैं कि आज के दिन अगर 8 कन्याओं को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके सारे पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। आज के दिन अगर आप उपवास भी रखते हैं तो आपके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। और इधर से स्वामी समर्थ जी की जो है वो भी आप एक छायाचित्र जो है वो देखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जब लोग जो है भक्त जो है श्री रेणुका माता के दर्शन के लिए आते हैं तो साथ ही साथ वो भगवान श्री स्वामी समर्थ के जो है वो भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री स्वामी समर्थ की पादुकाएँ जो है वो भी रखी गई है और एक छोटी सी मूर्ति जो है वो भी है और जो जोत है वो जोत जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि कई सारे मंत्र जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः माता रानी का जो है ये यहाँ पर हम जो है वो देख पा रहे हैं। और उसके अलावा भगवान श्री गणेश के लिए जो मंत्र का जाप हम करते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और ये मंदिर का वो मुख्य गाभारा है जहाँ पर लोग खासकर विशेष करके जो है वो दर्शन के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कोरोना में जब नए नए शुरू हुए थे मंदिर तब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाता था और इसीलिए जो है वो स्टिकर्स लगाए जाते हैं। और यह है वो श्री रेणुका माता का मंदिर जिसके दर्शन के लिए हम आज आए हैं। और आप जो लोग घर बैठे हैं उन सभी को जो है हम लोग आए हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। सबसे ख़ास बात है कि वारंवार जो है वो सूचनाएं दी जा रही है कि अगर आप माता के दर्शन के लिए आते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और ये है वो माता की विलोभनीय प्रतिमा जिसके दर्शन के लिए लोग आते हैं। और ख़ास नवरात्रि के लिए आप देख सकते हैं पीछे भी जो है मंदिर जो है वो फूलों से सजाया गया है। और माता रानी जो है वो आप देख सकते हैं कितनी प्रलोभनीय ऐसी माता रानी की मूर्ति है और चांदी का मुकुट जो है वो उनके सर पर है। और आप देख सकते हैं कई सारे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और ऐसा कहते हैं कि माता अपने भक्तों के सभी दुख दर्द उनकी पीड़ा जो है वो दूर करती हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे जानने की कि क्या है इस मंदिर की हमारी एक कहानी, उस विषय में भी जानेंगे किस तरीके के से इस नवरात्रि के दिन जो है 9 दिन पूजा अर्चना होती है वो भी हम पंडित जी से पूछेंगे। फिलहाल तो भक्तों की बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा भीड़ है, भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और आज अष्टमी का दिन है और आमतौर पर अष्टमी का एक विशेष महत्व होता है। और मैंने कहा कि अष्टमी का जब उपवास हम रखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सारे दुख दर्द जो है सारे पाप जो है वो इंसान के दूर हो जाते हैं। कोशिश करेंगे हम पंडित जी से बात करने की। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। आज अष्टमी है, अष्टमी का विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे पहले तो इस मंदिर की कोई कथा है या मान्यता है तो वो ज़रूर हमें बताइए। कथा मान्यता तो एवढं नाही पण जागृत आहे आणि ती स्वयंभूच आहे स्वतः। और कितने वर्ष पुराना मंदिर है? 250 साल के ऊपर हो गए। 250 साल के हो तो नवरात्रि में किस किस तरीके के पूजा का आयोजन किया जाता है, किस तरीके की दिनचर्या होती है? तसं तर रोजचं प्रत्येक दिवसाचं महत्त्व वेगळं आहे, तशानुसारच तिथचे विधी होतात। अभिषेक रोजचे जे आहे ते अष्टमीचं जसं हवन असते, आता उद्या नवकन्या भोजन राहील, प्रत्येक दिवसाचं जे जे महत्त्व आहे तशानुसारच तिथचे ते विधी होत जातात। सध्या आरतीची वेळ काय असते? सकाळी 7 आणि संध्याकाळी 7 ची वेळ असतं।
नवरात्र आज मग बरीच गर्दी असेल लोक अष्टमी पासूनच गर्दी आहे सगळ्यापासूनच ओट्या भरण्याची गर्दी आहे चालू आहे जे जसं सप्तमी अष्टमी याच दिवशी गर्दीच असतं और जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि 250 साल वर्ष पुराना जो है वो मंदिर है और जैसे कि मैंने आपको एक अखंड ज्योत की एक बहुत बड़ी सूची जो है वो आपको बताई थी तो चलिए ये आपको जो है इस ओर हम लेकर जाएंगे और यहाँ से हम जो है वो ऊपर जाएंगे। आमतौर पर जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद लोग जो है इधर आते हैं और यहाँ पर भगवान श्री शंकर की जो है वो पिंड है और ऐसा कहते हैं कि इसका भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है और माँ दुर्गा की जो एक प्रतिमा है वो भी हमें दिखाई देती है। इसके बाद मैं जो है आपको ऊपर ले जाऊँगा और एक छोटा सा मंदिर भी जो है वो इस ओर है और चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग और ये सीढ़ियाँ जो है वो हमें ऊपर की ओर लेकर जाएंगी। और जिस ज्योत की मैं बात कर रहा था अखंड ज्योत, नवरात्रि में अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है। कई सारे लोग उपवास रखते हैं, उपवास रखने के साथ साथ कई सारे लोग मन्नत भी मांगते हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाए या फिर उनकी मन्नत पूरी होनी चाहिए तो ऐसे लिए में वो जो लोग जो है अखंड ज्योत जो है वो जलाते हैं। और हर मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों में जो है इस तरीके का कार्यक्रम होता है। कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, कई सारे जगहों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, कई जगहों पर जो है गरबाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सारे नियम जो है वो बदल दिए हैं और हमारे सभी लोगों के लिए खास बात एक तो ये रही कि नवरात्रि जिस दिन से शुरू हुई उसी दिन से महाराष्ट्र के सभी पंडाल जो है वो भी शुरू हुए। तो चलिए आइए और सब तरफ जो है वो CCTV जो है वो लगे हुए और जैसे कि हम जानते हैं कि जगह जगहों पर आप देख सकते हैं ऐसे नोटिस लगाए गए हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो लोग ज्योत जलाते हैं वो ज्योत जलाने के लिए जो है एक विशेष ये रखना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है और हर जगह लिखा है मास्क पहनिए और कोरोना से खुद का बचाव करिए। और मैंने कहा था कि विशेष महत्व होता है अखंड ज्योत का, तो ऐसे कई सारे लोग जो अपने लिए व्रत रखते हैं या फिर ऐसे कहिए माता से कुछ चाहते हैं तो वो लोग जो है अखंड ज्योत जलाते हैं और वो है वो अखंड ज्योत। इस अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है और नीचे आपने देखी होगी कि 913 लोगों की एक बहुत ही बड़ी सूची जो है वो सूची लगी थी। उस सूची के अनुसार जितने लोगों ने एक छोटी सी राशि जो है वो प्रदान करनी पड़ती है और इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जाती है और यही है वो अखंड ज्योत। इस अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है क्योंकि 9 दिन जो है ये ज्योत जो है निरंतर जलती रहती हैं। जो लोग व्रत रखते हैं, माता का उपवास रखते हैं, वो ये ज्योत अपने घर में, अपने मंदिर में, और जिनके घर में या मंदिर में पॉसिबल नहीं होता है वो लोग जो है ऐसे किसी देवस्थान पर जो है व्रत रखकर इस मंदिर को जलाते हैं। और आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे कलश और तकरीबन 913 कलश जो है वो ये होंगे क्योंकि 913 लोगों की अखंड ज्योत की सूची जो है वो यहाँ पर लगी है और लोग आते हैं अपने पूजा कलश की पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी से जो भी मुराद वो करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी वो मुराद जो है वो ज़रूर पूरी हो। कई सारे भक्त यहाँ पर आए हैं आप देख सकते हैं और कोई भक्त हैं हम उनसे भी बात करने के। नमस्कार काका, क्या नाम आप लोग? वसंत कृष्णराव येरणे। तो हर साल आते हैं आप यहाँ पे? हमारा घर मंदिर राजा पाठी मागे है, माझे आजोबा नारायणराव अर्जुनजी येरणे। मंदिर जेव्हा जुनं होतं, जेव्हा नुसतं टिणीच्या शेडमध्ये होतं, तेव्हा आम्ही 5-6 वर्षाचे असतानापासून मंदिराच्याच आवारात लहानाचे मोठे झालो। आमचे आजोबा व्यवस्थापक होते, त्याच्यानंतर माझे वडील कृष्णराव नारायणराव येरणे, आता ते अध्यक्ष आहेत मंदिराचे, तिच्या अंगणात लहानाचे मोठे झालो। मंदिर आज जे आहे भव्य झालेलं आहे आणि हे सगळं लोकांच्या 10 पैसे 5 पैशाच्या दानपेटीतनंही मंदिर उभारलेलं गेलं आहे आणि येणारे भक्त लांबून येतात, खूप दुरून दुरून येतात। जेव्हा म्हणजे महाप्रसादही मोठ्या प्रमाणात व्हायचा, कोविडच्या काळामध्ये 2 वर्षापासून लोकांची संख्या कमी झाली आहे येणाऱ्यांची आणि सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे हे सगळं मंदिराच्या ट्रस्टतर्फे सगळं आयोजन केलेलं आहे। येणाऱ्या भक्तांना सांगितलं जाते की बा तुम्ही मास्क लावा, लहान मुलांना मंदिरात आणू नका, स्वास्थ्य हे माणसाचं प्रथम प्राधान्य। त्यावरून आज मंदिराचं दरवर्षी अखंड ज्योत लावायचो आम्ही, प्रत्येक ज्योत लागायची, पण काय झालं की प्रदूषण आणि त्याच्यापासून होणारं इथे इतकं टेम्परेचर व्हायचं की लोकांना श्वास घ्यायला त्रास व्हायचा। एकदाच लावले आपण, मग यावर्षी ट्रस्टने निर्णय घेतला की सगळ्यांची ज्योत लावायची, कलश लावायचं, ज्योत एकच ठेवायची, एक ज्योत आणि त्याच्यामधनं सगळ्यांना मारू।
हा जो प्रसाद म्हणून नारळ आणि ब्लाउज पीस मंदिराकडनं त्यांना प्रसाद म्हणून दिला जाईल. जवळपास किती वर्ष जुनं मंदिर आहे आणि काय मान्यता आहे या मंदिराची? तर आमचे आजोबा सुद्धा जेव्हा लहान होते जेव्हा इथनं हे दोन नाले गेले आहेत, मोठे हत्ती नाले, एक इकडं नालं आहे बालदारपुराकडनं आणि किकवारी मस्का सातमधून असा येऊन गेला आहे. दोन्ही नाल्याचं संगम समोर आहे आणि मधात मंदिर आहे. हत्ती नाला म्हणजे इथनं समोर लाकडी पूल सरळ गंगाबाई घाटला मिळालेला नाला आहे. लहानपणीचं जे आमच्या आजोबांनी त्यावेळेस जे पाहिलेलं मंदिर होतं त्या रूपात फार कमी लोक होते, मंदिराचे ट्रस्टी पण होते जुने लोक. सगळ्यांनी मदत केली आणि आमचं म्हणजे कसं आहे, आमचं घरच पाठीमागे आहे. हनुमान मंदिर पण देखभाल आम्हीच करतो, झाडू पोच्यापासून रोज बजरंगबलीची पूजा करणं वगैरे सगळं आम्हीच. लहानाचे मोठे देवासमोरच झालेलं. कोरोनामध्ये मंदिर जे आहे जे जवळपास 1.5 वर्ष बंद होते, आता मंदिरं सुरू झालेली आहेत, लोक येतात, तर काय भावना व्यक्त करतात तुमच्याकडे? लोकांची भावना हीच आहे की बा जेणेकरून हा म्हणजे आजार जो आहे ज्याच्यामुळे आपण दोन लॉकडाऊन पाहिलेत, पहिल्या लॉकडाऊनपेक्षा दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये लोकांच्या जीवाची हानी झाली. लोक उपचाराच्या आधीच घरामध्येच दगावलेत, रस्त्यात दगावलेत, त्यांना उपचार मिळू शकला नाही. शासनाची व्यवस्थासुद्धा अपुरी पडली, कारण एकाच एवढे रुग्ण जर निघालेत हॉस्पिटललासुद्धा हॉस्पिटलाइझेशन शक्य नाही आहे. आता आम्ही स्वतः महानगरपालिकेचा कर्मचारी आहे, मी सध्या 8 महिने सतत कोविडमध्ये ड्युट्या केल्या. आमचा पहिला डोस 13 फरवरी 13 मार्चला लागलेला. आणि कसं आहे, महानगरपालिका कर्मचारी म्हटलं की सेवा ही नागरिकांची असतेच करणं. आपण ज्या दिवशी नोकरीचा आदेश घेतो ही लोकांच्या सेवा करण्याचाच आदेश घेत असतो. धन्यवाद. तो क्या इनकी भावना है और क्या प्रतिक्रिया है वो हमने जानी. और तीसरे माले पे हम लोग आए थे जहाँ पर अखंड ज्योत जो है वो जलाई जाती है और इस अखंड ज्योत का विशेष महत्व होता है. तो कई सारे लोगों से हम बात करेंगे, ऐसे ही कई सारे भाविक हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे. नमस्ते, आपका नाम? कर्मिलिन. कितने वर्षों से आप यहाँ पर आते हैं और क्या भावना है आपकी इस मंदिर से जुड़ी? मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ और मेरी आस्था ही है कि जैसे हमारा कुल देवत भी है रेणुका देवी, तो पहले से जो है जो अपने घर वाले जो सिखाते हैं वो हिसाब से वैसे हमारी भावना पहले से दृढ़ है इसमें. 1.5 साल मंदिर के जो पट है वो बनते, दरवाजे बनते, 1.5 साल बाद कोरोना के बाद खुले, तो कैसा लगता है फिर अभी? ये ज़रूरी भी है ना आम जनता के हिसाब से. जिस तरह से कोरोना का अपन नागपुर में देखा है उस हिसाब से तो वो सही है कि बंद थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें जनता का ही फायदा था. क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद. और चलिए ये नीचे चलते हैं. अखंड ज्योत जो है वो हम लोगों ने देख ली. और सबसे ख़ास बात मैं इस मंदिर की यही कहूँगा कि कई सारे मंदिर हम लोग गए लेकिन इस मंदिर पर आपको हर जगह यह एहसास होगा कि कोरोना जो है वो अभी भी है, कोरोना जो है वो गया नहीं है. इसलिए मास्क का इस्तेमाल जो है वो करिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जो है वो करिए. और हर जगह पे जो है इस तरीके के सूचना फलक जो है वो विशेष तौर पर लगाए गए हैं. और भी कई सारे लोगों से, विशेषकर भाविकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे. और क्या कहना है, क्या नाम है भैया आपका? धीरज. हर साल आते हैं मंदिर में? हाँ, हर साल आते. क्या महत्व है आपके लिए नवरात्रि का, किस तरीके से मनाते हैं आप नवरात्रि? नवरात्र मतलब एक अच्छा लगता है, 9 दिन अच्छा लगता है. हाँ, और दर्शन करो मतलब मन ऐसा प्रसन्न होता है, थोड़ा मतलब फ्रेश लगता है माइंड को. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद. तो ऐसे ही बहुत सारे भाविक आते हैं और कुछ भाविकों से भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे. उनके लिए नवरात्रि का क्या महत्व है ये हम उनसे ही जानेंगे. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. कुछ छोटे बच्चे भी हमारे साथ. आपका नाम? कैवल्य. और आपका?
काव्या। कहाँ रहते हैं आप लोग? कोठी रोड मोहल्ला। तो हर साल आते हैं मंदिर में और नवरात्रि में? हर साल आते हैं। तुम कैसे मनाते हो नवरात्रि? गरबा वरबा करने जाते हो? हाँ। और तुम खाना वाना खाने गई कि नहीं नौ कन्याओं का? जाती हूँ। जाती हो? और इस मंदिर में आते हो हर साल? हाँ। तो ऐसे ही छोटे बच्चे बूढ़े जो है हर कोई जो है खास मंदिर में आता है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर और माता का दर्शन लेता है। इस मंदिर के विश्वस्त कृष्णराव जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि अपना जो मंदिर है वो कितने वर्ष पुराना है? दादा ये मंदिर का इतिहास हमारे पिताजी भी नहीं बता सके, हमारे आजोबा भी नहीं बता सके, और जो पुराने से पुराने लोग हो गए उन्होंने बोला कि हमने इसको देखा नहीं, जैसा है वैसा ही है, माताजी जैसी बैठी है वैसी है। स्वयंभू ये है, कई सारे अनुभव आपको आए होंगे, तो कोई अनुभव आप हमारे साथ दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे? बहुत अनुभव है, अब मैं उसकी जितनी तारीफ करूँगा उतनी कम है। आप जो इच्छा से श्रद्धा लेके उसके पास अगर आ गए और आपने उसके उसके वहाँ रख दिया और तुम आते रहे रोज़ दर्शन के लिए, तो आपका काम होना ही है, चाहे कितना भी कठिन काम हो। ये मेरे अनुभव है, मैं बचपन से जुड़ा हूँ, हमारे पिताजी और दादाजी बिंड कारोबार देखते थे, वो सब मैं उनके तालीम में तैयार हुआ हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया सब। मैं तब 12-14 साल का होऊंगा, तब उनके साथ बाज़ार जाना है सामान लाना ये सब था। टीन शेड में थी माता जी, हाँ, और घोंसी थी उस पर, पुराने लोगों ने किया था, वो हमने उसका कंस्ट्रक्शन किया, नया स्वरूप दिया, तोड़ ताड़ के नया बनवाया, और इन लोगों की बहुत बड़ी सेवा है, दादाजी बिंड और नारायण राव हिरने की, जो आखिरी तक उसके रहे। जब उनका जाने का समय आया, माताजी ने दृष्टांत दिया कि अब तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब जाना है, अभी कौन से दिन जाऊंगी ये नहीं बताया, पर जाने वाले हो, अभी आ गया समय तुम्हारा, इतना बताया, और वो चले गए बेचारे। उसके बाद का सारा कारोबार मैं देखते आया। काले साहब थे हमारे वड़ंतराव काले, चित्र मंदिर फोटो स्टूडियो था रोड पर, आपने नहीं देखा होगा, बच्चे थे आप, तो उनको हमारे पिताजी ने और दादाजी बिंड ने सेक्रेटरी बनाया, ट्रस्ट निर्माण करके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जमाने में इसको रजिस्ट्रेशन किया गया। ऐसी बात, तब से मैं उनकी तालीम में बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। कोरोना के बाद कई सारे नियमों में बदलाव किया होगा, लोग दर्शन के लिए आते, तो क्या क्या नियम बदल दिए अभी आप? हाँ, हमने आप ईमानदारी से हम आपको बता रहे, हमारे ये जो दो शटर गिरा देते थे, जाली के शटर है, लोग वहाँ से दर्शन करते थे, और जो रोज़ के आने वाले भक्त है, तो हमने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया था और ये गली का दरवाज़ा खोला था, आए दर्शन करके चले जाते थे, ज़्यादा देर नहीं बैठते थे, नमस्कार किए माता जी को और चले जाते थे। उससे हमारे मंदिर की परिस्थिति ज़रा डाउन हो गई, यानी सभी मंदिर की हुई, हमारी मंदिर की नहीं, लोगों का आना जाना बंद हो गया, थोड़ा आर्थिक परिस्थिति में टन चाहिए, जो पैसा था उसमें कर्मचारियों के पगार वगैरह देते रहे, 6-7 कर्मचारी है यहाँ, महाराज है दो, वो लड़का कारोबार देखता वो है, स्वीपर है दो, एक झाड़ने वाले है, ऐसा हमारा खर्चा है। और माता जी ने, और आपको एक दृष्टांत आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा दृष्टांत है ये जो जगह हैं, फटाका कंपनी, ये माता जी की जगह है, ये शुरू से थे, शुरू से ये पूरा ग्राउंड उसका था, तो ये जगह एक जने ने अलॉटमेंट अपने नाम से कर लिया था, नाम नहीं बताता मैं उसका, वो अभी चले गए। हमने समझाया
आप ऐसा मत करो, उसकी जगह उसको दे दो, आपको बहुत है, कोई कमी नहीं है। तो वो नहीं माने, हमको नोटिस आया कि वो जगह आप खाली करो, हमने कंपाउंड डाला था, वो जगह खाली करो, उसको अलॉटमेंट हो गया था, पैसे भरने के थे, हमने कोर्ट में केस उनका नोटिस आया NIT का, तो हमने पढ़ा, हमारे मित्र थे कुलाड़ी वकील, मर गए वो, उसके पास गए और दो वकील के पास गए, उन्होंने बोला ये केस में कोई अर्थ नहीं है, मत लड़ो, पैसा माता जी का खर्चा मत करो। तो कुलाड़ी हमारे मित्र थे, हमने बोला बेटा मेरे को नौकरी माता जी ने दी है, मेरे उम्र के 29 साल गवर्नमेंट प्लेस में गवर्नमेंट की नौकरी मिली है, तो मैंने बोला मैं अपने पगार से तेरी फी दूंगा कि खड़ा हो श्री। उसने एक शब्द ऐसा वापरा, अगर तुम्हारी माता जी सच्ची होंगी तो ये जगह मिलाएंगी, नहीं तो ये कोई दम नहीं है, सीधा ही बोल दिया उसने भी, तू खड़ा हो और जो है चलने दे। खड़ा हो गया, पहली तारीख हो गई, दूसरे तारीख में आर्गुमेंट हुआ, सीधी आर्गुमेंट पर आई, आर्गुमेंट जब हो गया तो मैं और काले साहब थे मर गए वो, और कुलाड़ी वकील हम कोर्ट में 7वें माले में थे, कोर्ट मैं गच्ची में खड़ा था, वो कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा था। 3:30 बजे ऐसा चमत्कार हुआ वहाँ पर, धूप काला, मई महीना, कोई बादल में आसार नहीं पानी के, और ऐसी बिजली कड़की है कि मैं डर गया, मैं खोले में घुस गया। आर्गुमेंट ख़त्म हो गया, कुलाड़ी साहब बाहर निकले, काले साहब, मैं बोला कुलाड़ी केस जीत लिया तूने, वो बोले तू क्या पागल हो गया क्या, मतलब मैं पागल ही हो गया हूँ, केस जीत लिया है तूने, 2 दिन के बाद जजमेंट था। मैं बोला केस जीत गया, तेरे मुंह में पेड़े भरूंगा मैं, ऐसा बोला उसको, वो मजाक पर हंसी पे उड़ा दिया। और 2 दिन के बाद जजमेंट लगा, कोर्ट ने जजमेंट ऐसा दिया कि ये जगह जो पार्टी को दी गई है उसी रेट में ये जगह रेणुका मंदिर को देने में आना चाहिए, और इसके पैसे रेणुका मंदिर में जल्द तुरंत भरना है, 2-3 दिन के अंदर पैसे भरना है, 35,000 तब के 35,000। हम आए, माता जी को नमस्कार किया, पेड़े बुलवाया, नैवेद्य रखा, और सबको मैंने एक एक पेड़ा बांटा, और शाम को कुलाड़ी की तरफ गया, कुलाड़ी बैठा था अपने ऑफिस में, हंसने लगा वो भी, मैंने 2 पेड़े उसके मुंह में भर दिए, वो मान गया इस बात को, कुलाड़ी वो जैन धर्म के थे, मान गया इस बात को कि मान लिया बोले, और वहाँ से फिर मेरे को मूलचंद पेंटर के लड़की की शादी थी इतवारी कोटा के सामने, मैं शादी में गया, तो हमारे मूलचंद पेंटर मेरे से मिले, मैंने पेड़ा उनके मुँह में एक डाला, काय काय रे बोले, मैंने बोला आज माता जी ने केस जीत ली, जो जगह का झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा कैंसल, मुझे निर्णय लग गया और उसकी जगह माता जी को मिल गई, बोला वो बहुत खुश हो गए, ये सही चमत्कार आपको बताया, वैसे बहुत है। क्या बात है, बिल्कुल, माता के मंदिर में आप इतने वर्षों से हैं और पूरा बचपन आपका और अभी पूरी ज़िंदगी जा रही है। मेरी 84 साल की उम्र है, मैं रिटायर होने को मेरे को 25 साल हो गए, मैं 1/8/1996 को गवर्नमेंट ट्रेड से रिटायर हुआ, मेरी सर्विस 29 साल 3 महीने 17 दिन की हुई, पेंशन में मार खाया, 33 वर्ष की पूरी सर्विस चाहिए गवर्नमेंट में, नहीं हुई,
जितना मिला उसी में खुश हूँ। और ऐसे ही कई सारे अनुभवों के साथ ये खूबसूरत सा मंदिर जो है इतना बड़ा हुआ, और कृष्ण राव जी से हमने उनके अनुभव भी जो है वो भी जाने, और भी कई सारे भाविकों से बात करते हैं उनके अनुभव भी जो है वो जानते। मंदिर के सचिव जो है प्रकाश जी हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कोरोना के बाद कई सारे नियमों में बदलाव किया होगा आपने, हम देख रहे हैं जगह जगह पे स्टिकर्स लगे, तो क्या बदलाव किए हैं? जो गवर्नमेंट के जो नियम है उस मुताबिक हमने सब नियम लागू किए हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर से लेके सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखा है, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग, और लोगों को यानी 6 फुट के डिस्टेंस पे जाना, किसी चीज़ को इधर उधर लगने नहीं देना, और आएंगे भी दर्शन जाने का रास्ता एक रखा है, आने का रास्ता एक रखा है, और ऐसी बाकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है मंदिर में, ना भजन कीर्तन ना प्रसाद, बाकी कोई ऐसा ये नहीं। जो शासन के नियम है उनका हम 100% क्वाटेकोर अपने पालन कर रहे हैं। 1.5 साल तक मंदिर बंद थे, नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर खुल गए, भक्तों में जो है बहुत सारा उत्साह होगा, तो इस बार की नवरात्रि पिछली तो अच्छी नहीं, इस बार कैसा उत्साह था भक्तों में? भक्तों में उत्साह तो है, लेकिन क्या ये कोरोना के वजह से जो नियम है, और हर भक्त यानी सेवक की इसमें अपनी धास्ती है कोरोना की वजह से, कि अपन गए तो कुछ होगा कि नहीं होगा, इसके वजह से गर्दी भी बहुत कम है, नई के समान में 25% नहीं है, लेकिन तमन्ना बहुत है, 100% है कि अपन ने जाना चाहिए, लेकिन नियम भी ऐसे है। अभी हमारे यहाँ भी चालू है, बस चेक कर रहे हैं, 65 साल के ऊपर आया उनको एंट्री नहीं है, 10 साल के हैं उनको एंट्री नहीं है, ये नियम का भी जो पालन है, और 2 वैक्सीन जिन्होंने लिए नहीं उनको परमिशन नहीं है, इसके वजह से वो भी आ नहीं पा रहे हैं, और हम भी फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए नवरात्रि का कैसा महत्व है कि पूरा और नवरात्रि कैसे मनाते हैं, पूरे 9 दिन मंदिर में ही चले जाते हैं कि और भी? नहीं नहीं, पूरे 9 ही दिन मंदिर में रहते हैं, कम से कम 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे कम से कम 20 घंटा तो मंदिर के अंदर रहता है नवरात्र के अंदर में, और पूरी फुल सेवा रहती है हमारी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स, इस सेवा माँ सेवा करने का हमको अवसर दे रही है, हम सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा करके लेना चाहिए, और आप लोगों का सबका सहयोग है, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। आज है अष्टमी, और अष्टमी के दिन हम आए नागपुर के गांधी पुतला चौक स्थित रेणुका माता मंदिर। यह मंदिर जो है कई साल पुराना है, लेकिन कब से है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जागृत ऐसा देवस्थान है, माता जो है स्वयं प्रकट हुई है। और ये मंदिर पहले एक छोटे से टीन के शेड में था, आज मंदिर का ट्रस्ट है और मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत और विलोभनीय ऐसी माता के मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि आप दिल में जो भी रखकर आते हैं, जो भी इस माँ से मांगते हैं, वो माँ जो है आपकी मुराद ज़रूर पूरी करती है। तो आज के इस प्रोग्राम में जय माता दी में बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन आप लोग खबरों के लिए और ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए VKB न्यूज़। कल सुबह फिर एक बार मुलाकात होगी, ऐसे ही एक मंदिर आपको ले जाएंगे, उस मंदिर की कहानी आपको बताएंगे, माता के दर्शन कराएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन आप लोग अगर ये प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, Facebook पर अगर आप हैं तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मत करिए भूलिएगा, और सबसे खास बात GTPL या फिर ACN केबल नेटवर्क पर आप देख रहे हैं तो हम सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हैं, तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।